ट्रेनों में करीब 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाने के बाद भी ट्रेनों का देरी से चलना नहीं रुक रहा। इन डिवाइसों को लगाने से पहले रेलवे प्रशासन ने यह दावा किया था कि एक डिवाइसों के लगाने के बाद कितना भी घना कोहरा क्यों न हो ट्रेन 1 या 2 घंटे से ज्यादा लेट नहीं हो पाएगी, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। जबलपुर आने वाली दिल्ली और उत्तर भारत से कई ट्रेनें जो कि 8 से लेकर 19 घंटे की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्री अब परेशान हो रहे हैं। बार जो सर्दी का मौसम में कोहरा और धुंध के कारण से गाड़ियां जो है प्रभावित हुई हैं, तो जनवरी के शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कोहरा देखने में आया है। और जो भी गाड़ियां पश्चिम मध्य रेल की उत्तर की तरफ जाती हैं, दिल्ली या जयपुर की तरफ या यूपी में, उधर काफ़ी घने कोहरे के वजह से गाड़ियां कुछ विलंब से चल रही हैं। एंटी फॉग डिवाइसेज करीब 1000 से ज़्यादा एंटी फॉग डिवाइसेज लगाई गई हैं गाड़ियों में, लेकिन उसके बावजूद भी जब बहुत ही घना कोहरा रहता है या धुंध टाइप रहती है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाने में यात्रियों को सुरक्षा को देखते हुए थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, जिसके कारण गाड़ियों की स्पीड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। बता दें कि ठंड के चलते 8 से 10 घंटे लेट ट्रेनें चल रही हैं। फॉग सेफ्टी डिवाइस इन ट्रेनों में लगाया गया है कि जिससे ट्रेन लेट ना हो, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाने के बाद भी ट्रेन देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।